अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके तमाम तर सवालात के जवाब दूंगा जो आपने मुझे वीडियो के नीचे पूछे हैं। तो जो बंदा भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने कमेंट का इंतज़ार करे, जब उसका कमेंट सामने आएगा तो इंशाल्लाह उसको भी तफसीलन हम जवाब देंगे। बाकी अगर कोई बंदा अभी सवाल पूछना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके वो पूछ सकता है, किसी भी किस्म का सवाल हो, खाए वो सबमर्सिबल पंप की कीमत के मुतालिक हो या फिर सोलर ट्यूबवेल के लगाने के मुतालिक हो। सबसे पहले देखते हैं कि इस बंदे ने सवाल किया है कि वाटर लेवल कितना है। भाईजान, इधर हमारे इलाके में व्याड़ी बूढ़ा वाला मेलसी के इलाके में वाटर लेवल जो है वो 70 से 75 फीट तक है, और अगर टोटल बोर की बात करें तो 220 फीट से लेकर 260 फीट तक लोग करवाते हैं। अब आगे चलते हैं, इस बंदे ने सवाल किया है कि भाईजान मेरा 12-10 का बोर हो गया है, मेरी 10 एकड़ ज़मीन है, 90 से 100 फीट वाटर लेवल है और मेरे बजट है 30 पैनल वाला, तो मैं कौन सा सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल करूं? तो भाईजान, अगर आप 15 हार्स पावर का मैको फ्लो का सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल करेंगे या फिर कोमैक्स कंपनी का सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी 10 एकड़ ज़मीन के लिए बेहतरीन काम करता रहेगा। अब दोबारा पीछे चलते हैं, आगे इस बंदे ने सवाल किया है कि टायर की जगह मज़बूत बैरिंग लगाओ, जहां टायर चलें वहां दो सूत्र की लोहे की चादर पूरे दायरे में लगाएं, इंशाल्लाह भागेंगे। तो ये मैंने सोलर स्टैंड के मतलब एक वीडियो डाली थी कि ये इसको घुमाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इसके टायर टूट रहे हैं, तो इस बंदे ने मुझे ये मशवरा दिया है। भाईजान, आपने मशवरा बिल्कुल ठीक दिया है, ये चीज़ भी अब चल रही है, हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे अगर काम चल गया तो। इससे आगे एक बंदे ने सवाल पूछा है, भाईजान मैको फ्लो का 125/2 पंप मिल जाएगा फुल स्टील में? तो जी भाईजान, पंप जो होते हैं वो मुकम्मल स्टील में ही आते हैं, अब कोई बंदा भी या कोई दुकानदार भी दूसरे पंप नहीं मंगवाता, स्टील वाले पंप ही मंगवाता, मिल जाएंगे। आप रब्ता करें, वीडियो के नीचे कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, बेशक इंशाल्लाह ठीक है, आगे चलते हैं। बेशक इंशाल्लाह, ये मैं जो पोस्टें डालता हूँ अपने चैनल पर तो उसके नीचे लोगों ने मुझे कमेंट किए हुए कि बेशक इंशाल्लाह, वो कोई हदीस होती है या कोई भी अच्छी बात होती है तो आप लोग पोस्टें लाजमी देखा करें जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। अब आगे इस बंदे ने कमेंट किया है कि लॉन्जी 585 वाट प्राइस बताना, तो तकरीबन आप लोगों को पता है कि जिनको नहीं भी पता वो आज सुन लें कि सोलर पैनल की कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई हैं, तकरीबन आपको 16,000 रुपये का मिल जाएगा जी एक पैनल 585 वाट वाला, 16 से 17,000 रुपये तक मिल जाएगा, इससे ज़्यादा महंगा नहीं है, तकरीबन 30-32 रुपए पर वाट के हिसाब से मार्केट में रेट चल रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस बंदे ने क्वेश्चन किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिहारी एरिया में 5 इंच डिलीवरी सोलर ट्यूबल लगा रहे हैं, सामान हमने खुद लिया है, पंप पाइप सब कुछ या ये बेहतर है? तो भाईजान ठीक है, आप काफ़ी बंदे जो हैं वो हमारी वीडियो देखकर खुद सामान लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हम वीडियो में तकरीबन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ते हों, हर एक चीज़ बता देते हैं, पंप का साइज हर चीज़ बता देते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, वो ही अपना माल लेकर आ जाते हैं और ख़ुद इंस्टॉल कर लेते हैं, और जो 40-50 हज़ार रुपये किसी बंदे को देकर हमने अपना ट्यूबवेल लगवाना था वो हम खुद बचा लेते हैं। चलें जी, बेहतर है, आगे चलते हैं। ये पोस्ट मैंने की थी, कोई भी अच्छी सी हदीस होगी तो इसके नीचे बंदे ने कमेंट किया, ऑफ कोर्स यकीनन। अच्छा जी, आगे इस बंदे ने बताया, अल्लाह सुबहानहु ताला रहम फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन, बहुत दुख हुआ। तो भाईजान, हमें भी इस तरह का दिली दुख होता है जब भी किसी बंदे की सोलर ट्राली उलट जाती है, तो भाईजान उसने बड़े यकीन से अपना ये सिस्टम बनाया होता है, बड़ा एतमाद होता है अपने सिस्टम पर, और जब इस तरह का कोई नुकसान हो जाता है तो फिर बंदे का दिल टूट जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका हिम्मत अफजाई करने का। आगे इस बंदे ने सवाल किया है कि 4 इंच पे 15 HP मोटर विद 26 पैनल और 4 इंच विद 20 HP मोटर विद 36 पैनल पानी का कितना डिफरेंस आएगा? तो भाईजान बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, अगर आप 36 पैनल लगाएंगे और 20 की मोटर लगाएंगे तो तकरीबन आपका पानी 5 इंच डिलीवरी के करीब करीब चले जाएगा, 5 इंच डिलीवरी होगा नहीं लेकिन उसके करीब करीब चला जाएगा। और दूसरा, अगर आप 4 इंच लगाएंगे 15 HP की मोटर पे और 26 पैनल लगाएंगे तो आपका 4 इंच डिलीवरी जितना ही पानी होगा। आगे जी, बांस के सोलर स्टैंड की मैंने वीडियो अपलोड की थी कि ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लोग बांस के सोलर स्टैंड बनवा रहे हैं, तो काफ़ी एक बंदे ने कमेंट किया कि इस तरह के ना बनाएँ, तो जी हाँ बिल्कुल, हम भी इसी चीज़ से रोक रहे हैं कि ये ना बनाएँ। आगे चलते हैं, अब तो सस्ते हो गए हैं प्लेट्स। जी जी बिल्कुल, आप जो सोलर पैनल है वो बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, पहले तो यही प्लेट 70-75 हज़ार रुपये की थी जब हमने सिस्टम लगवाया था, हमें तो 40 हज़ार रुपये का मिला था एक पैनल, लेकिन अभी जो है ये 15-16-17 हज़ार रुपये तक मिल रहे हैं।
डिटेल बताएं भाई जान, डीसी मोटर है या एसी? तो भाई जान, जो भी सब मर्सिबल पंप आ रहे हैं वो थ्री फेज एसी होते हैं, थ्री फेज ही होते हैं और डीसी नहीं होते, एसी होते हैं, ठीक है। बिजली पे भी आप लोग अगर चलाएंगे तो चल जाएंगे सप्लाई लगाकर, इन्वर्टर कन्वर्टर जिसे भी। आगे जी, सोलर ट्यूबल 4 इंच डिलीवरी, तुम 60/8 भी मिल जाता है वो लगा कर देख लो, फुल प्रेशर मिल जाएगा। भाई जान इसकी मुझे समझ नहीं आई, चलें हम इसको आगे चलते हैं। बोस, मैं भी सीमेंट के बोर में 15 HP के साथ 60/6 का पंप लगाया है 4 इंच के लिए, पानी फुल नहीं बहुत बट ठीक है। इस भाई ने आगे मैसेज किया है कि बोस मोटर कितने HP की है और पंप कौन सा है। तो भाई जान, मोटर जो है वो हमारे इलाके में 4 इंच को 15 की लगाई जाती है, लेकिन कुछ लोग 20 की भी लगा लेते हैं। 15 की लगा लें आप लोग बेहतर है, 15 के ऊपर 30 पैनल लगेंगे। मोटर पंप डिटेल, तो आप इस भाई ने पूछा है कि मोटर पंप की डिटेल बताएं। तो भाई जान, आप इस तरह करें कि आप मेरे चैनल पर जाएं, मिस्टर व्याड़ी उसका नाम है, उधर जाकर अगर आप लिखेंगे सब मर्सिबल पंप तो आपको 2 से 3 वीडियो मिल जाएंगे और हर बोर के हिसाब से आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके आगे चलते हैं जी। भाई जान, भाई वाटर लेवल मोटर HP सोलर पैनल्स वाट प्लीज़ बताइएगा आप। तो ये जो वीडियो मैंने ऊपर अपलोड की थी, इसकी मुकम्मल वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। अगर आप सोलर ट्यूबल 5 इंच डिलीवरी लिखेंगे, उधर एक बंदे ने डिलीवरी के ऊपर हाथ रख कर खड़ा हुआ है, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो वो इसी टर्बाइन की है, आपको उसकी मुकम्मल तफसील मिल जाएगी उस वीडियो में। अगर मैं अभी आपको बताने लग गया तो बाकी लोगों के कमेंट रह जाएंगे। ये मैंने कोई पोस्ट डाली थी, कोई अच्छी हदीस वगैरह शेयर की थी, तो उसमें इस बंदे ने मुझे ये बेशक कहा। चलो आगे चलते हैं। इस बंदे ने सवाल किया, हमारा भाई मेरा सीमेंट वाला 8 इंच अंदर से बोर, क्या इसमें एमको फ्लो 15 HP की मोटर और 95/30 का पंप कामयाब हो जाएगा 4 इंच डिलीवरी के लिए, जबकि पानी का लेवल 85 फीट है। दूसरा, ऑयल वाला पंप ज़्यादा पानी देता है या सादा पंप? भाई जान, 15 HP का पंप आपके बोर में चला जाएगा आराम से और पंप भी चला जाएगा। और दूसरा, ऑयल वाला आपने नहीं लेना, आपने पानी वाला पंप लेना है, ठीक है। इसमें वापडा शेयरिंग की शेयरिंग के सिंगल फेज में या वैसे नज़र आ रहा है कोई? ये भाई ने कमेंट किया है कि नहीं जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल पर चल रही है, वापडा शेयरिंग नहीं है इसमें। हम पाकिस्तान को आज़ाद देखने के लिए बेताब हैं, पहले खुद तो आज़ाद करें। ये मैंने कोई पोस्ट डाली थी जिसमें कश्मीर के बारे में मैंने लिखा था, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से। तो इस बंदे ने कहा कि पहले हम तो आज़ाद हो जाएं। भाई जान, हम आज़ाद हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये जो आज़ादी हमें मिली हुई है। ये अगर आप बर्मा में जाएँ, फ़लस्तीन में जाएँ, तो उधर के हालात के मुताबिक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज हमें तंग नहीं करती। बाकी आप इधर बांग्लादेश के हालात देख लें, उधर उन्होंने क्या किया आवाम के साथ। आगे चलते हैं। इस बैड डिज़ाइन विद लार्ज पैनल स्ट्रॉन्ग विंड विल डैमेज द सोलर पैनल, यूज़ मैनी स्मॉल पैनल्स विद 2 मीटर गैप्स बिटवीन पैनल टू लेट द विंड पास थ्रू द गैप, स्ट्रॉन्ग विंड विल नॉट लिफ्ट द पैनल। अच्छा, इस बंदे ने, मैं आपको बता देता हूँ इस बंदे ने इंग्लिश में क्या लिखा है। इसने कहा है कि आपने जो सोलर पैनल लगाए हुए हैं वो बहुत करीब करीब लगाए हुए हैं, आप इस तरह ना करें। एक तो इसको नीचा करें, पीछे से नीचा करें, और दूसरा सोलर पैनल के दरमियान गैप रखें, सोलर पैनल के दरमियान फासला हो, ताकि जब भी कोई तेज़ तूफ़ान या आंधी आए तो इससे हवा क्रॉस हो जाए। तो भाईजान, आपने जो बात कही है वही हुआ है। पहले ये सोलर स्टैंड टूट गया था, इसी वजह से टूटा है कि सोलर पैनल के दरमियान वक्फा नहीं था, जिसकी वजह से हवा क्रॉस नहीं हुई, सोलर स्टैंड टूट गया। उसके बाद अभी जो सोलर स्टैंड दोबारा तैयार करवाया है इसी तरह का है, लेकिन वो बिल्कुल छोटा है, नीचे किया हुआ है, और उसमें बहुत ज़्यादा प्लेटों के दरमियान फासला रखा हुआ है पैनल के दरमियान। तो कई बंदे होते हैं जो आगे का सोच लेते हैं। चैलेंज आगे चलते हैं। सब मर्सिबल पंप है, इस बंदे ने कमेंट किया है कि सब मर्सिबल पंप है। तो जी हाँ, बिल्कुल सब मर्सिबल पंप ही है। सोलर पैनल पर ज़्यादातर लगाते सब मर्सिबल पंप है। ऊपर वाली मोटर वो लोग लगाते हैं जहाँ पर पानी का लेवल तकरीबन 20 से 25 फीट है, वो ऊपर वाली मोटर इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि ऊपर वाली मोटर का जो कीमत है वो बहुत मुनासिब होती है। सब मर्सिबल पंप की कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ऊपर वाली मोटर का एक नुकसान भी है, वो ये है कि उसके ऊपर सोलर पैनल ज़्यादा लगते हैं, वो ज़्यादा करंट लेती है। अच्छा जी, 10 HP सब मर्सिबल पंप मोटर को कितने एम्पेयर पे चलाया जा सकता है? तकरीबन 40 से 45 एम्पेयर लेगी आपके 10 HP के सब मर्सिबल पंप। आगे जी, सोलर की सफाई सुबह 6 से पहले, शाम 7 के बाद किया करें, इससे फ़ौरन गर्दोगबार सोलर पर नहीं जमती।
तो बिल्कुल इस बंदे ने बड़ी पते की बात की है। आपने दिन के वक्त सोलर पैनल नहीं साफ़ करने, ना ही उन पर पानी फेंकना है। रात को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले पहले अपनी सोलर पैनल की सफाई कर लेनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, वाटर लेवल बताना और मोटर HP बताना। वाटर लेवल हमने आपको बताया है तकरीबन इधर 70 से 75 फीट वाटर लेवल चल रहा है, क्योंकि मैं अपने इलाके की वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाता, और जो हम लगाते हैं वो उसी टर्बाइन की लगाते हैं। 70 से 75 फीट वाटर लेवल है। और मोटर HP बताना, मोटर जो है वो हम 5 इंच डिलीवरी पर 30 HP की मोटर लगाते हैं, 5 पर 30 HP की। आप तो आज़ाद हो जाओ पहले, इस बंदे ने उसी पोस्ट पे मुझे मैसेज किया है जिसमें मैंने कश्मीर की आज़ादी का कहा था। इस बंदे ने कहा कि आप तो आज़ाद हो जाओ भाईजान, अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद हैं। पहले भी कह चुका हूँ कि हम दूसरे मुल्कों के बनिस्बत बहुत ज़्यादा आज़ाद लोग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 15 HP को मैक्स प्राइस तकरीबन आपको 1.5 लाख 1,80,000 रुपये तक मिल जाएगी, 1,50,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये के दरमियान मिल जाएगी। बाकी इलाके वाइज लाहौर से मौके का रेट लेंगे तो वो कम मिल जाएगी। लाहौर में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, माल रोड पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। उसकी वजह यह है कि उन लोगों को पता है कि एक गाहक चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन अगर आप छोटे शहरों से ले गए जिस तरह हमारा व्याड़ी हो गया या मैलसी हो गया, माछीवाल हो गया, तो इस जगह पर बंदों को पता है कि हमने ना तो कहीं जाना है और जो गाहक हमारे पास आया है वो हमारे ही इलाके का है, तो उसने वापस हमारे पास ही आना है। आगे जी, क्या ब्रश के साथ साफ कर सकते हैं साफ सर्फ डालकर? 2 स्टार वालों से सोलर ब्रश लिया था आप देखने यूट्यूब से, तो जी हाँ बिल्कुल उससे कर सकते हैं, वो ब्रश ठीक है, उसके आगे सख्त चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल नरम है। उसके साथ सोलर पैनल पर लाइनें या दरारें नहीं पड़ती, वाटर लेवल पे डिपेंड होता है। जी हाँ बिल्कुल, आपका सबमर्सिबल पंप वाटर लेवल पे डिपेंड होता है कि आपने कितने फुट से पानी उठाना है, ठीक है। ये बिल्कुल आपने सही बात की है, इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि हर वीडियो में आपने वाटर लेवल लाजमी बताना है। वाटर लेवल के मुताबिक ही आपकी सबमर्सिबल पंप और मोटर दोनों का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी वाली लगानी चाहिए। आगे जी, ये बंदे ने कमेंट किया, ठीक है आगे चलते हैं। भाईजान मुकम्मल डिटेल की वीडियो बना दो जी, किसकी बना दूँ? ये एक टर्बाइन है 2 सोलर ट्यूबल 4 इंच डिलीवरी इन 1 बोर। तो इस बंदे ने क्या किया हुआ है कि 4 इंच डिलीवरी की 2 सोलर ट्यूबल लगाई हुई हैं और एक ही बोर में 2 पंप डाले हुए हैं 15-15 हॉर्स पावर के। तो इसकी मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये सेटअप पसंद नहीं है। आप 2 लगाने के बजाय एक ही 5 इंच की लगा लेते तो वो बेहतरीन होता, ये हमारा मशवरा है। आप लोग इस तरह का काम ना करें, एक बोर में 2 मोटरें डालते हैं, दोनों के खर्चे भी ज़्यादा हैं, सारा कुछ अलहदा अलहदा, तारें वगैरह बोर के अंदर जो पाइप जा रहे हैं वो भी अलहदा अलहदा है, इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है बंदे का, पानी उतना ही होता है 5 इंच डिलीवरी जितना। अच्छा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं, इस पर हमारा यकीन है, ईमान है, और इसी पर हमारा ईमान मुकम्मल होता है। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। भाई इतनी लंबी ना छोड़ा करें, बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं इस तरह की, टेक्निकली आपने 20-30% ही बताया है। भाई जान मैं आपको बताऊं, ये सोलर पैनल स्टैंड टूट गया है, लंबी इसलिए छोड़ रहा था कि ये नहीं लगाना, ये टूट गया है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान किया। मेरे चाचू का लगा हुआ था, तकरीबन 10 पैनल टूट गए हैं, ये नहीं लगाना, आपने दूसरे लगाने हैं जिन पर 8 पैनल लगाए जाते हैं या 10 पैनल लगाए जाते हैं बस। अच्छा बेशक जी, ठीक है, बेशक जी ठीक है। आगे चलते हैं, मैकोफ्लो 15 HP की प्राइस प्लीज़ बता दें। मैकोफ्लो पाकिस्तान में अभी मिल नहीं रही, किसी बंदे के पास पड़ी है, अगर किसी के पास पड़ी है तो आप तस्दीक कर लें कि यह बंदा वाकई वेरीफाई है, बंदा अच्छा है, अच्छी चीज़ें फरोख्त करता है, वरना बहुत सारी दूसरे सबमर्सिबल पंप पर मैकोफ्लो के स्टिकर लगा कर चिपका रहे हैं, ठीक है। इस तरह का काम ना करें, पहले पता करें उसके पास, अगर किसी बंदे के पास पड़ी है और उसका बैकग्राउंड पता करें कि वो बंदा कितना पुराना है और किस तरह का उसका काम चल रहा है, किसी जगह उसका लगा हुआ सेटअप भी देख लें, पानी का प्रेशर कितना आ रहा है, ठीक है, बाद में मसला नहीं आएगा। नहीं तो बाद में आप जब ये गलत निकली या किसी और कंपनी की निकली तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, दूसरे तीसरे दिन उसकी क्लच प्लेटें ख़राब हो जानी है। खुद के साथ ज़्यादती है, ये बंदे ने कमेंट बिल्कुल ठीक किया है, बांस वाले सोलर स्टैंड लगाना, अपने साथ ही ज़्यादती करना है, क्योंकि एक हवा का झोंका भी उन्होंने बर्दाश्त नहीं करना जी, ठीक है। आगे चलते हैं, बेशक ये भी मैंने पोस्ट डाली है, पोस्टें लाजमी देखा करें, क्योंकि मैं हदीसें शेयर करता हूँ उसमें, या फिर कोई भी अच्छी सी बात उसमें शेयर करता हूँ। खातमुन्नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
آخری نبی مسیح علیہ السلام ہوں گے، فرمایا خوش ہو جاؤ، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں میں ہوں، مہدی اس کے اوسط میں ہے اور مسیح اس کے آخر میں ہے۔ آخری نبی نہیں ہوں گے بھائی جان، آخری نبی نہیں ہوں گے، مسیح علیہ السلام ہمارے نبی کے ہی امتی بن کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ امام مہدی بھی ہمارے نبی کے امتی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے ہی امتی ہوں گے، نئے نبی نہیں بن کر آئیں گے بے شک، ٹھیک ہے۔ بانس کے سولر کے نیچے بندے سٹینڈ ہمیشہ فولڈنگ والا ہونا چاہیے تاکہ طوفان آنے سے پہلے بندہ فولڈ کر لے، خرچے میں 19-20 ہو سکتا ہے لیکن سولر پینل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی جان خرچے میں 19-20 نہیں ہوگا، خرچے میں 22-23 ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فولڈنگ والا سولر سٹینڈ تقریباً 1.5 لاکھ روپے سے کم نہیں بنے گا۔ اور اگر آپ لوگ 4 پینل والا سولر سٹینڈ بنوائیں گے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے خرچہ بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گا اور آپ کے سولر پینل بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اینٹ والا فکس سٹرکچر بیسٹ ہے، اور نہیں بھائی اینٹ والا فکس سٹرکچر آپ لوگوں نے نہیں بنوانا، جو بھی ویڈیو بندہ دیکھ رہا ہے، پتا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سولر پینل 70% کرنٹ پیدا کریں گے، 30% کرنٹ آپ کا ضائع ہو جائے گا، نہ تو صبح کو کرنٹ پیدا کریں گے نہ شام کو۔ 2 سے 3 ویڈیو تو میں اپلوڈ کر چکا ہوں کہ فولڈنگ والے دوسرے فکس سٹینڈ نہیں بنوانے، چاہے آپ نے گھر کی چھتوں پر ہی لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے خاتم النبی جی نے فرمایا آخری نبی مسیح علیہ السلام نہیں، بھی آخری نبی نہیں ہوں گے، ہمارے نبی کی امتی ہوں گے۔ اس کو لائک نہیں کرنا چاہیے، چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اوپر والا بھی ہم نہیں لائک کرتے کیونکہ وہ بات غلط کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا یہ؟ ٹھیک ہے آگے جی، بہت زیادہ رسکی ہے۔ کیا رسکی ہے بھائی؟ بانس والے سولر سٹینڈ رسکی ہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں بار بار نہ لگوائیں۔ سر اگر 4 انچ کی ڈلیوری میں پائپ کی جگہ اگر رسا یوز کیا جائے تو کتنا خرچہ کم ہو جائے گا؟ 4 انچ کی ڈلیوری میں رسا یوز کرتے ہیں، رسا استعمال کرتے ہیں، دوسرا اور کوئی چیز استعمال نہیں کرتے۔ لوہے کے پائپ 5 انچ ڈلیوری میں ڈالے جاتے ہیں، 4 میں نہیں ڈالے جاتے، رسا ہی لگایا جاتا ہے۔ ٹوٹل خرچہ کتنا آیا وہ تو آپ نے نہیں بتایا۔ سولر آٹا چکی پر آپ کا 12 سے 13 لاکھ روپے خرچہ آ جائے گا۔ ابھی تو آپ کا کم ہوگا، تقریباً آپ کا 10 لاکھ روپے خرچہ آئے گا، 15 کے موٹر لگا کر 10 لاکھ روپے۔ اٹلی سب مرسیبل پمپ موٹر کیسے ہیں؟ بھائی ہم نے کبھی استعمال نہیں کی، اٹلی کے میکو فلو کیا ہے، کومیکس کیا ہے یا ڈونگ جن چائنا کی کمپنی کے بھی کیے ہیں۔ آج میری کوئی بھی ویڈیو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اس بندے نے پوچھا 12-13 کنال ایک رقبہ ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹا بور چھوٹا پمپ اس پر ویڈیو بناؤ، کوئی مشورہ کی رہنمائی فرمائیں۔ تو بھائی جان 12-13 کنال کتنا بنتا ہے؟ 1.5 ایکڑ بنتا ہے۔ 1.5 ایکڑ کے لیے آپ 3 انچ ڈلیوری لگا لیں، 5 کا پمپ ڈال کے، 5 HP کا سب مرسیبل پمپ ڈالیں، 8 پینل لگائیں اور بور وغیرہ آپ کا تو آپ نے بتایا نہیں ہے، باقی 5 کا پمپ لگائیں تو انشاءاللہ آپ کے 3 ایکڑ تک آپ کا کور کرتا رہے گا۔ آگے اس بندے نے پوچھا ہے 4 HP کا سب مرسیبل پمپ لگا ہوا ہے، 55 فٹ واٹر لیول ہے، کتنے پلیٹ پر چلے گا؟ 596 واٹ کی پلیٹ۔ یہ کون سی پلیٹ ہے بھائی؟ 585 واٹ تک تو سنی ہے بھائی، کافی کمپنیاں ہیں جنہوں نے 730 واٹ تک بھی سولر پینل دینے شروع کر دی ہیں، لیکن میں ان پر نہیں جاؤں گا، آپ لوگوں کو بھی اس چیز سے روکوں گا کیونکہ ان کو زیادہ لوگوں نے ابھی استعمال نہیں کیا۔ ابھی ان کے ریویو آئیں گے تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پینل لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے۔ ابھی آپ 585 واٹ کے جنکو کے لگائیں، لونجی کے لگائیں، کینیڈین کے لگائیں، بس اور کوئی نہ لگائیں۔ 4 HP کا سبمرسیبل پمپ لگا ہوا ہے، 55 فٹ واٹر لیول ہے، کتنے پلیٹس پر چلے گا؟ تو 4 HP کا تو آپ کا 5-6 پر بھی چل جانا ہے، 5-6 پر چل جائے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ 3 کا بور کروانا چاہتے ہیں، 90 فٹ بور پر چل رہا، کتنی سولر پینل لگانا ہوں گے؟ ہم لوگ 3 کا بور، تو بھائی جان آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے سبمرسیبل پمپ کون سا لگانا ہے۔ 5 کے لگائیں گے تو آپ کے 8 پینل لگیں گے، 7.5 کا لگائیں گے تو 14 پینل لگیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کافی لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیو کے نیچے گڈ کا کمنٹ کر دیتے ہیں، یا آپ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، تو ہمیں اس سے بہت حوصلہ ملتا ہے اور دلی سکون ملتا ہے کہ بھائی جان اس طرح کے لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں۔ اور آپ لوگ اگر ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے یا کمنٹ وغیرہ میں اچھا نہیں لکھتے، بہت اچھے، جس طرح اس بندے نے کہا یا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیا کریں، ہمارے دل کو بہت تسلی مل جاتی ہے۔ 1 سٹرنگ ہے یا 2 بنائی ہیں 10-10 کی؟ نہیں، یہ جو سولر آٹا چکی استعمال کی اس میں 4 سٹینڈ لگے ہوئے تھے، تو اس میں 2 سٹرنگ بنوائی ہیں،
ठीक है। आगे इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ग्रीन मीटर के बारे में, तो भाई जान ये हर 6 माह बाद हुकूमत की पॉलिसी चेंज हो जाती है, मैं आपसे मुतफिक हूँ, क्योंकि जब मैंने इन्फॉर्मेशन दी तब और थी, अब कोई और पॉलिसी हो गई है, सुबहान अल्लाह। ठीक है आगे जी, माशाल्लाह। ठीक है जी आगे चलते हैं। इस बंदे ने तो भाई पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया है, अब इसको पढ़ना पड़ेगा। चलो बता देता हूँ, आप लोगों की रहनमाई हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को सवाल भी यही होंगे जो मैं अभी दोहरा रहा हूँ बार बार। अस्सलाम वालेकुम, आपकी ये मालूमाती वीडियो बहुत अच्छी लगी सर, आप ये बताएं कि 1500 फीट तक अगर तार चली जाए तो सब मर्सिबल पम्प हम चला सकते हैं? जी हाँ चला सकते हैं। इसका सवाल में हाँ ही है, पहले सवाल में कि हम चला सकते हैं 1500 फीट तक। आपने जो DC वायर इस्तेमाल करनी है वो 2-4 mm ज़्यादा लगा लेनी है। जिस तरह अगर आप पहले 8 mm की लगाना चाहते हैं या 6 की इस्तेमाल करें तो आपने 8 की लगानी है या 10 की लगानी है। हम इस पर चक्की भी चलाना चाहते हैं, 20 hp की मोटर लगा कर, तो चक्की भी चलानी है, ट्यूबवेल भी चलाना है। इसके बारे में हम आपसे तजवीज़ किए, क्या ऐसा मुमकिन है? चक्की एक जगह पर लगाई है और 1400 तकरीबन फिट दूर हमने वो ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन है सर? आप अपना रब्ता नंबर भी बता दें। रब्ता नंबर मैं हर वीडियो में आपको दे देता हूँ। इस बंदे ने मुझे ये सवाल पूछा है कि भाईजान सोलर आटा चक्की हम घर पर लगाना चाहते हैं, 1400 फीट दूर हमारा सोलर ट्यूबवेल है, तो दोनों चीज़ें चलाना चाहते हैं। तो भाईजान आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप दोनों चीज़ें अपने एक ही सोलर पैनल पर चला सकते हैं। एक ही मतलब यानी कि एक ही जगह पर आपके सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो उसी सोलर पैनल्स पर आप सोलर ट्यूबवेल भी चला सकते हैं, सोलर आटा चक्की भी चला सकते हैं, बशर्ते कि जो सोलर आटा चक्की की तरफ तार आ रही है वो ज़्यादा mm की इस्तेमाल करें। भाई मोटर ऑयल कोल लगानी चाहिए या वाटर कोल? वाटर कोल लगाएं। बहुत शुक्रिया, शौक नहीं अल्लाह पाक को पसंद है। अच्छा जी बेशक, ठीक है। जट 10 लाख का सिस्टम लगा ले लेता है, लेकिन फाउंडेशन में 10 बोरी सीमेंट लगाए जट को मौत पड़ जाती है, ऐसा जट का इलाज है? तो किसी बंदे के सोलर पैनल टूट गए थे, मैंने उसकी वीडियो अपलोड की, तो नीचे इस बंदे ने कमेंट किया कि इसका इलाज है। इसका इलाज नहीं है भाईजान, अल्लाह का जब कोई भी तेज़ तूफान या आंधी आती है तो हम उसको नहीं रोक सकते, इस तरह के हादसात इंसान के साथ होते रहते हैं। बस हमें अल्लाह ताला से रहम मांगना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करते। इस तरह तो हमारे नबी ने जब सहाबा कराम से मशवरा किया तो किसी सहाबा ने मशवरा दिया कि जंग हम बाहर जाकर लड़ेंगे, ठीक है। नबी पाक ने यही मशवरा दिया था कि जंग हम अंदर रहकर लड़ेंगे, मदीने के बाहर नहीं जाएंगे। जब बाहर गए सहाबा के मशवरे पर तो जंग में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर फतह नसीब नहीं हुई, और बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को ये ताना नहीं दिया कि भैया आपने मशवरा दिया था कि बाहर जाकर लड़ें। तो इस तरह के हादसा होते रहते हैं, ये इंसान के साथ चलते रहते हैं। 21600 रेट बता रहा है सोलर पैनल का, ठीक है। अभी सस्ते हो गए हैं, अब बताओ प्लेटें सस्ती हो गई हैं? जी हाँ बिल्कुल सस्ती हो गई हैं। जिनको 580 वाट का 60 सोलर पैनल के लिए 30 kW की VFD बेस्ट रहेगी या इंक्रीज़ करनी चाहिए? और नहीं भाई, 37-45 kW की VFD लगाएं, 60 पैनल आपने लगाए हुए हैं, 37-45 की VFD लगाएं। सोलर रेट बताना 580 वाट के तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये के 30-32 रुपये पर वाट के हिसाब से बिक रहे हैं। सर ऑयल कोल मोटर बेस्ट है या वाटर कोल, और किस कंपनी की बेस्ट है मोटर पंप, प्लीज़ गाइड कर दें। तुर्की की बेस्ट है मैकोफ्लो, और वो आपको अगर मिलेंगी नहीं तो कोमैक्स के लगा लें, कोमैक्स की भी बेहतरीन है मोटर पंप दोनों। वाटर कूल लगाएं, वाटर कूल। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने 4 सबमर्सिबल पंप लगाने हैं 28 फिट वाटर लेवल है, 1 मीटर 28 फिट वाटर लेवल है सर, किस कंपनी के पंप और मोटर लगाऊं? मैकोफ्लो के लगाएं, कोमैक्स के लगाएं, दोनों बेहतरीन है। पंप 95/2 का लगाऊं तो कैसा प्रेशर रहेगा? मुझे फुल प्रेशर चाहिए, 20 पैनल है मेरे पास 585 वाट के। तो आपने 4 का सबमर्सिबल पंप लगाना है तो ऊपर आपने 20 पैनल लगाने हैं। भाईजान आपका वाटर लेवल भी बहुत कम है, आपको भाईजान किसी ने गलत मशवरा दिया है, 28 फिट वाटर लेवल है और 4 का सबमर्सिबल पंप के आपने 20 पैनल लगाने हैं। नहीं ऐसा नहीं है, 4 के ऊपर आप 5-6 लगाएँ, बस इतने ही लगने हैं। या फिर आप क्या करना पूछना चाह रहे हैं, मुझे तो आपकी समझ नहीं आई बिल्कुल भी। अभी तारीफ़ कर रहा है बाद में इसकी बेइज्जती कर रहा है, तो भाईजान बेइज्जती भी कर उसी चीज़ की होनी है जिस चीज़ की तारीफ होनी है। उसकी वजह यह है कि इस सोलर स्टैंड की तारीफ़ की थी, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे, लेकिन इसने जब अपना आप दिखाया है टूट गया, इसने 10 पैनल तोड़े हैं, तो फ़ौरन आपको वीडियो बनाकर आगाह किया कि ये सोलर स्टैंड नहीं लगाना, तो बेइज्जती होनी है। पहले इसने इस तरह का कोई काम नहीं दिखाया।
ब्रदर बी एल डी सी मोटर के बारे में बताया करो, प्लीज़ अल्लाह थानू खुश रखे और लंबी ज़िंदगी देवे। फ्राम के ऐसे ज़बरदस्त रकबा ब्रदर। भाईजान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस तरह के बंदे मुझे बहुत पसंद हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, हमारी मेहनत को दाद देते हैं और हमारी तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात की है, लेकिन हमें हौसला हो जाता है। बी एल डी सी मोटर के बारे में बताया करें, ये मुझे मोटर का नहीं पता बी एल डी सी मोटर कौन सी है, आप थोड़ी सी तफसील बताएँगे तो इंशाल्लाह हम भी इसके बारे में सर्च करेंगे। अच्छा अच्छा बी एल डी सी मोटर, ठीक ठीक ठीक, मैं आपको भाईजान बता देता हूँ। बी एल डी सी मोटर जो अभी हैं वो इस हमारे हमसे बहुत दूर इलाके में, उसका नाम मुझे नहीं आता। उस बंदे ने मुझसे रबता किया है और मुझे कहा है कि मुझसे हम आपको एक बी एल डी सी मोटर देंगे, आपने अपने इलाके में उसको ट्राई करना है। अगर वो आपके इलाके में चल गई, क्योंकि उसने मुझे वीडियो सेंड किए हैं कि 2 पैनल पर 3 इंच की डिलीवरी चल रही है, 4 पैनल पर 4 इंच की डिलीवरी चल रही है और 5 पैनल पर 5 इंच की डिलीवरी चल रही है, तो बी एल डी सी मोटर ने उधर तो धमाल डाली हुई है, लेकिन अभी तक हमारे इलाके में उसका कोई नाम भी नहीं है। इंशाल्लाह हम ही पहले बंदे होंगे जो वहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा है कि हम आपको मोटर देंगे और उसको आपने ट्राई करना है, अगर आपके इलाके में चल गई, क्योंकि उधर इलाके में पानी बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, लेकिन हमारे इधर पानी बहुत ज़्यादा नीचे है। बहुत शुक्रिया बी एल डी सी मोटर के बारे में याद दिलाने का, आपको पता चल गया होगा। माशाल्लाह तबारकल्ला, वेरी गुड ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक्स, बहुत शुक्रिया ब्रदर, बहुत शुक्रिया। आज हम अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, बाकी जिन भाइयों के कमेंट रह गए हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में आएंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इंशाल्लाह कल आएगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज के लिए दें इजाज़त, किसी बंदे ने कोई सवाल पूछना हो, कोई भी सवाल पूछना हो किसी भी किस्म का हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें, क्योंकि कल वाली जो वीडियो आएगी उसमें आपके कमेंट पहले नंबर पर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।